तुम खुद बच के दिखा रहे हो मेरे से एक बार। आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। अगर आप कहती हैं कि मैंने प्यार किया, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पासपोर्ट था उसके अंदर आप गुलाम अहमद का नाम कटवाते और अपने फादर का नाम लिखवाते। जो आपकी NIC है उसके अंदर अपना गुलाम अहमद का कटवाते और अपने फादर का लिखवाते। आप नाम तो सारा गुलाम हैदर का यूज कर रहे हो, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, NIC में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, आप जो फैमिली आईडी है उसके अंदर भी आप उसका नाम लिख रहे हो, बच्चों के जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी फादर का नाम लिख रहे हो, जो आपने वीजा लिया वहां भी वाइफ ऑफ आप गुलाम हैदर लिख रहे हो, जो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो उसके अंदर भी टिकट्स जो ले रहे हो, जो एयर टिकट्स ले रहे हो, सबके अंदर आप जो है ना गुलाम उसका नाम यूज कर रहे हो। तो अपने आप को पत्नी तो आप खुद ही बता रहे हो। आप प्यार कहते हो, जी मुझे प्यार हो गया, ठीक है आपको प्यार हो गया, आप तलाक ले लेते, आप तलाक फाइल करते, तलाक हो जाता। आप चाहे प्यार करो, चाहे मोहब्बत करो, चाहे इकरार करो, चाहे इनकार करो, चाहे डांस करो, चाहे नाच करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, वो आपका राइट है। लेकिन ये कैसा प्यार है? आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। प्यार आपने किया, बच्चों ने नहीं किया ना, और तीन बच्चियां हैं। मुस्लिम मोमडन लॉ में इनहेरिटेंस आप पढ़ेंगे, मोमडन लॉ में इनहेरिटेंस चैप्टर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई जो माइनर्स बच्चियां, फीमेल बच्चियां, उसकी कस्टडी तो अगर सीमा तलाक ले लेती और सेकंड मैरिज और लीगल मैरिज भी अगर सचिन से कर लेती, उसके बाद भी जो बच्चियां हैं, जो फीमेल चाइल्ड हैं, उनकी कस्टडी जो है वो सेकंड हस्बैंड को किसी भी रूप में नहीं दी जाएगी। ये मोमडन लॉ प्रोविजन है इनहेरिटेंस में, आप देखें उनकी कस्टडी, क्योंकि वो जो सेकंड हस्बैंड है, जो स्टेप फादर है, वो स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के आएगी। ये मोमडन लॉ प्रोविजन है इनहेरिटेंस में, आप देखें उनकी कस्टडी, क्योंकि वो जो सेकंड हस्बैंड है, जो स्टेप फादर है, वो स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के हक में कभी भी पूरा नहीं उतरेगा, उसको कानून भी नहीं मानता है। ये तो हिंदू कानून में, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें कोई भी इसका प्रोविजन नहीं है कि विदाउट द डिवोर्स ए हिंदू वुमन कैन नॉट एंटाइटल टू गेट द सेकंड मैरिज विदाउट ऑब्टेनिंग द डिवोर्स। शी कैन परफॉर्म द मैरिज आफ्टर हर प्रीवियस हस्बैंड। अभी आप सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि भाई खाली बच्चों को वकील, ये आपने मोमिन मलिक को हार किया है। मैं नाउजुबिल्ला, मैं कोई बड़ा बोल नहीं कहता हूं, लेकिन ये मेरे रब का, लोगों की जो मैंने खिदमत की है, किसकी दुआएं मेरे साथ है, ये मेरे रब का, मेरे ऊपर, मेरे परमात्मा का, मेरे खुदा का, मेरे भगवान का, मेरे गॉड का, मेरे अल्लाह का, ये मेरे ऊपर कर्म है, और मैं उसी के कर्म से और किसी मजलूम की दुआओं से ही चल रहा हूं और उसी की दुआओं से चलता रहता हूं। ये मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं ईगो से कह रहा हूं। आपने मोमिन मलिक को हायर किया है, मोमिन मलिक एडवोकेट को आपने हायर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ही लायर हूं, उठा के जाऊंगा जी आपने मुझे वकील कर लिया और मैं कस्टडी का केस फाइल कर दूंगा जनाब, तारीखे भुगतता रहूंगा। नो माई डियर, मैं तो या तो कोई केस पकड़ता नहीं हूं, किसी की हानि करता हूं। अगर मैं केस पकड़ता हूं तो फिर बिगड़े से बिगड़े केस को सीधा करके रखता हूं। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों की कस्टडी का केस, अभी इसमें देखना कि क्या क्या इसके अंदर होगा। सिंह साहब, तो सीमा और हैदर के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ले आते हैं, AP सिंह तो योगी जी को भी ले आते हैं, AP सिंह तो हिंदू और मुसलमान भी कह देते हैं, AP सिंह जो तो भगवान और कृष्ण और पता नहीं क्या क्या धार्मिक बातें ले आते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ कानून की बात करता हूं, उन पे तो सभी का अधिकार है। और योगी जी ने और मोदी जी ने ये कब कहा था कि आप बिना वीजा लिए गलत तरीके से भारत में एंट्री कर जाओ, बता दो। अगर योगी जी और मोदी जी इस बात को सही ठहरा दें कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति, अगर ये तो सीमा आधार है, अगर कोई बैड इलीगल एलिमेंट्स कोई गलत तरीके से भारत में घुस जाता और भारत में आके कोई बम फोड़ देता, कोई विस्फोट कर देता, उसका जिम्मेदार कौन होता, ये बताओ। पाकिस्तान में भी बहुत से बैड एलिमेंट्स है ना,
अच्छे और बुरे हर, अच्छे और बुरे हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी है, आपके देश में भी है और दूसरे देशों में भी है। तो ये बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बैड एलिमेंट्स आ जाता बिना वीजा लिए नेपाल के रास्ते से, और वो आके कहने लगता जनाब मुझे तो भारत की लड़की से प्यार हो गया, मैं तो प्यार के चक्कर में आ गया, तो क्या मान लेते उसको आप? देखिए मैं आपको, मैं करता हूँ कानून की बात, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, ना मुझे पसंद और ना मैं टाइम वेस्ट करता इधर उधर की बात। तो मैं, मेरे साहब लीगल क्वेश्चन कीजिए, इसका जवाब ये सही मैं आपको बताता हूं कि पेरेंट्स के अंदर से, जब पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के अंदर से कोई व्यक्ति अगर किसी एफआईआर में इन्वॉल्व हो जाए या उसके खिलाफ कोई एफआईआर लॉज हो जाए और वो एक्यूज्ड बन जाए, 10 करोड़ 5 करोड़ तो होंगे यार, और 7 साल से जितने भी नीचे बच्चे हैं उन सबको फिर आप नेपाल के रास्ते भेज दो, वो ख्याल रख लेगी वो जब इतने बच्चों को रख सकती है तो उनको भी रख लेगी, सबको भेज दो फिर तो लाइन लगा दो वहां से वहां तक। किसी देश के कानून है जो बाई बर्थ जिस देश में पैदा हो गया, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो सब पे वहां के कानून लागू है, उसका प्रोविजन है, उसका तरीका है। ऐसे कोई मुंह उठा के कोई भी चला आएगा कि भाई हम जनाब यहाँ से कूद के एंट्री करके आ गए, ये फॉरेन कंट्री कोई है, ये कोई यूरोप कंट्री नहीं है, ये एशिया है, ये भारत है भाई। यही कहा, देखिए कि जो सीमा हैदर है वो किसी भी तरीके से सचिन के साथ लीगल रिलेशनशिप में नहीं है, वो इलीगल रिलेशनशिप में है। उसका कारण क्या है कि ना तो पाकिस्तान में उसने तलाक ली है और ना ही भारत में आके कोई तलाक। आप तो इलिसिट, एक तरह से जो है ना ये इलिसिट रिलेशंस हैं, इसको नहीं कह सकते कि भी आप उस रिलेशंस में। जहां तक उसका सवाल है, कहती है बच्चों को मर जाएंगे, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, तो उसका जवाब ये है कि देखिए ये तो आप कहती है कि एक पति के रहते हुए मुझे फलावती से प्यार हो गया, तो आप तो ना केवल आप उन बच्चों के बाप के साथ बेवफाई कर रही हैं, बल्कि आप तो उन बच्चों के बाप से ज्यादा उन बच्चों बायोलॉजिकल फादर के मुकाबले में स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के मामले में नहीं। लड़का अगर है तो उसकी अलग बात है, लेकिन बच्चियों की कस्टडी कभी भी स्टेप फादर को नहीं दी जाएगी। ये हमारे इस्लामिक कानून में जो हमारा मोमन लॉ है उसके अंदर भी इस बात का बैन है, रिस्ट्रिक्शन है। आप इनहेरिटेंस चैप्टर देखेंगे उसमें आ जाएगा सारा, नहीं आएगी। अगर आएगी तो अगर बच्चों को खरोच आई, बच्चों का बाल भी थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, अगर कंघी भी टेढ़ी कर दी ना तो फौरन एफआईआर करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दूं कि मैंने एक बात मैं चलता चलता आपको और बता देता हूं कि मैंने कई आपकी बाइट्स, एक मतलब यूट्यूब बाइट्स, शायद आपकी तो नहीं पता नहीं किसकी, एक दो मेरी नजर पड़ी थी चलते चलते गाड़ी में, तो मैंने सुना था कि मोमिन मलिक साहब को मुश्किल पैदा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे मोमिन मलिक तो आ रहा है, तुम दौड़ लगाओ कितनी तेज दौड़ सकते हो, तुम खुद बच के दिखा दो मेरे से एक बार। आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। अगर आप कहती हैं कि मैंने प्यार किया, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पासपोर्ट था उसके अंदर आप गुलाम अहमद का नाम कटवाते और अपने फादर का नाम लिखवाते, जो आपकी NIC है उसके अंदर अपना गुलाम अहमद का कटवाते और अपने फादर का लिखवाते। आप नाम तो सारा गुलाम हैदर का यूज कर रहे हो, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, NIC में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, आप जो फैमिली आईडी है उसके अंदर भी आप उसका नाम लिख रहे हो, बच्चों के जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी फादर का नाम लिख रहे हो, जो आपने वीजा लिया वहां भी वाइफ ऑफ आप गुलाम हैदर लिख रहे हो, जो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो उसके अंदर भी टिकट्स जो ले रहे हो, जो एयर टिकट्स ले रहे हो, सबके अंदर आप जो है ना गुलाम उसका नाम यूज कर रहे हो। तो अपने आप को पत्नी तो आप खुद ही बता रहे हो। आप प्यार कहते हो, जी मुझे प्यार हो गया, ठीक है आपको प्यार हो गया, आप तलाक ले लेते, आप तलाक फाइल करते, तलाक हो जाता, आप चाहे प्यार करो, चाहे मोहब्बत करो, चाहे इकरार करो, चाहे इनकार करो, चाहे डांस करो, चाहे नाच करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, वो आपका राइट है। लेकिन ये कैसा प्यार है? आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। प्यार आपने किया, बच्चों ने नहीं किया ना, और तीन बच्चियां हैं। मुस्लिम मोमडन लॉ में इनहेरिटेंस आप पढ़ेंगे, मोमडन लॉ में इनहेरिटेंस चैप्टर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई जो माइनर्स बच्चियां, फीमेल बच्चियां, उसकी कस्टडी तो
अगर अगर सीमा तलाक ले लेती और सेकंड मैरिज और लीगल लीगल मैरिज भी अगर सचिन से कर लेती, उसके बाद भी जो बच्चियां हैं, जो फीमेल्स चाइल्ड हैं, उनकी कस्टडी जो है वो सेकंड हस्बैंड को किसी भी रूप में नहीं दी जाएगी। ये मॉडर्न लॉ में, ये मॉडर्न लॉ प्रोविजन है। इनहेरिटेंस में आप देखेंगे उनकी कस्टडी, क्योंकि वो जो सेकंड हस्बैंड है, जो स्टेप फादर है, वो स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के आएगी। ये मॉडर्न लॉ में, ये मॉडर्न लॉ प्रोविजन है। इनहेरिटेंस में आप देखेंगे उनकी कस्टडी, क्योंकि वो जो सेकंड हस्बैंड है, जो स्टेप फादर है, वो स्टेप फादर कभी भी बच्चियों के हक में कभी भी पूरा नहीं उतरेगा, उसको कानून भी नहीं मानता है।